Ah, vamos, Maurício. जीवन दूर निकल रहा पर कितने कम ना चक्करी हुई ना जीवन दूर निकल रहा पर कितने कम जीवन दूर निकल रहा पर कितने कम मैं कह रहा हूँ ना बहुत इधर कल चल करने आया था फलाकर तब ना चक्कर तब ने आपको बाहर काम दे देंगे ऐसे सब लेन जाना सब लोग देखते हो तो देखो देखते हो तो देखते हो ना हाँ देखते फोन बोल रहा हूँ इतना फोन बोल रहा हूँ हेलो रोहू मास्टर वाली होगी है ना तो यहाँ कहाँ लगती है वैसे आपकी ठंडी ज़्यादातर जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से वो नहीं उसकी तो फोटो थोड़ी है ये तो लोकेशन तो वहाँ बंदा भेज दें ना वीडियो वाडियो मंगवाए कौन सी लोकेशन है ये जो गोल्ड वॉशिंग के लिए आप ठेका देते हो ना ये कौन सी जगह है ये कौन सी नदी में सोने का ठेका दिया जाता है और कब से दिया जाता है यमुनानगर में सोम नदी है जिसके अंदर हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका देते हैं ये तीन लोकेशन हैं एक छिछरौली में है एक बिलासपुर में है और एक छडोरा में छिछरौली वाली जो लोकेशन है उसके ऊपर तो कोई उसका ठेका जा नहीं रहा 2010-11 के बाद लेकिन बिलासपुर वाली जो लोकेशन है उसका अभी भी हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका हर साल देते हैं इस साल का भी जो ठेका 2021-22 का हमने 1,80,000 में वहाँ का दिया है उसी तरह से जो छडोरा में है उसका भी ठेका 6100 रुपये में गया है मेजर जो लोकेशन है वो जो सोम नदी के ऊपर बिलासपुर में जो लोकेशन है वो मेजर लोकेशन है जहाँ पे गोल्ड वॉशिंग का सिग्निफिकेंटली जो ठेका जा रहा है उसमें अमाउंट भी थोड़ी सी हैंडसम है तो कब से जा रहा है 1995-96 से हम ये सडोरा का सोम का दे रहे हैं 89-90 में पहले छिछरौली का देते थे लेकिन उस लोकेशन पे अब कोई ना ही तो ठेकेदार आता है ना ही उस पर उस तरह की कोई गोल्ड वॉशिंग मिल रही है इसलिए वो 10-11 के बाद छिछरौली वाली लोकेशन तो बंद हो गई है लेकिन सोम नदी के ऊपर जो बिलासपुर और सडोरा की जो लोकेशन हैं उनके ऊपर अभी भी गोल्ड वॉशिंग का हर साल हम ठेका देते हैं जो तहसीलदार है संबंधित तहसील का वो मौके के ऊपर ओपन ऑक्शन में ये ठेका देते हैं तो सर जब जिला अम्बाला था तब से चल रहा है हाँ ये नहीं छिछरौली वाला तो पहले से ही चल रहा था अम्बाला बनने के बाद अम्बाला से अलग होने के बाद यमुनानगर में बिलासपुर और छडोरा का हमने शुरू किया है 1989-90 में जिला बना था तो ये 95-96 से हम अम्बाला और छडोरा का देते हैं सर क्या प्रोसीजर है ठेका लेने का ठेका देने का तो वही ओपन ऑप्शन का प्रोसीजर है जैसे ग्राम पंचायत के हम जमीनों की जैसे ऑप्शन करते हैं उसी तरह से इसकी हम एक नोटिस जो संबंधित जो तहसीलदार है स्कीम के मार्फत जाता है वो उसकी पब्लिसिटी कर देता है और उसके अंदर मौके के ऊपर वो जो बिल्डर्स हैं उनको वो ठेका दे देता है सर लगातार जो बिल्डर्स या ठेकेदार बदलते रहते हैं एक ही रहता है नहीं ठेकेदार तो जो बदलते रहते हैं जिसकी हाइएस्ट बिल्ड होगी वो उसको ठेका मिलता है
ठेका हम एक साल का देते हैं, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है, अब ये जून जुलाई के अंदर ये ठेके की प्रक्रिया होती है, तो जुलाई से अगली जुलाई तक का जो ये ठेका रहता है।